आज हम बहुत ही टेस्टी आलू मटर बनाएंगे जो कि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी और बनाते बनाते तो मुंह में पानी आ ही जाएगा। तो चलिए हम बातें ना करते हुए ऐसी ही प्यारी सी अपनी आलू मटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही यमी सी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप डेली बनाते हैं, बट इस तरीके से आप कभी नहीं बनाए होंगे। आप आलू मटर तो डेली बनाते होंगे, ये तो रेगुलर सभी के घर पे बनती ही रहती है। आप कुछ अलग तरीके से ट्राई जरूर करिएगा। आज मैं एकदम अलग तरीका लाई हूँ आलू और मटर बनाने का। इस तरीके से आप ड्राई आलू मटर बनाकर जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, सिंपल रोटी के साथ खाइए, बहुत यम्मी लगेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सूखी स्पून के साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है खाने में। आप ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलेगा, लाइक करके ही जाइएगा। और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब लाल कलर का है और फ्री में सब्सक्राइब है। साइड में दिए हुए बेल आइकन की छोटी सी घंटी भी है, उसे भी आपको ऑल पे क्लिक कर लेना होगा। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले देखना तो एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हरी मटर और आलू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आलू चाहिए और मैंने यहाँ पे 5 आलू को छील के पानी में डाल के रखा था और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपने पसंद अनुसार काट सकते हैं इसे, आपको जैसे कट करना हो। इसे रखते हैं अभी हम साइड में, देख लेते हैं हमें और क्या चाहिए इसे बनाने के लिए, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे हरी मटर ले रखी है और ये फ्रेश हरी मटर है, बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ी सी मैंने पीनट्स ले रखी है, मूंगफली ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और यहाँ पे मैंने ले रखा है पास्ता मसाला जो कि आसानी से आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। इससे ना टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप पास्ता मसाला की जगह इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमें चाहिए थोड़े से ड्राई मसाले, यहाँ पे मैंने ले रखा है 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और ये मैंने साबुत लाल मिर्च ले रखी है 2। आप चाहें तो एक ही रखें या फिर साबुत लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। थोड़े से पीसे मसाले भी हमें चाहिए, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, काला नमक और ये मैंने ले रखा है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक ले रखा है 1/2 इंच का टुकड़ा, कसूरी मेथी, थोड़ी सी हमें चाहिए राई और हींग। हमने ये आलू ले लिया है और साइड में हम ले लेंगे 1 बाउल में पानी और आलू को कट करेंगे। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पर भी इस आलू को कट कर सकते हैं। इसमें हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे इसे इस तरीके से और बीच से भी हम एक कट लगा देंगे और फिर यहाँ से कट कर लेंगे हम। ऐसे ही हमें टुकड़े इसके कट कर लेने हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं आलू को, आपको कैसे कट करना है उसी हिसाब से आलू को कट कर लीजिएगा आप। ऐसे ही हमें सारे आलू को अपने कट कर लेने हैं। सारे आलू को देखिए मैंने कट कर लिया है और अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी से साफ करके हम पानी इसका हटा देंगे। आलू को एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। आलू को हमने धो के एक प्लेट में निकाल लिया है पानी से बाहर और नीचे मैंने पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने ये सारे ड्राई मसाले और इन्हें हम रोस्ट करेंगे धीमी फ्लेम में। आप एक बार इस तरीके से आलू बनाकर ट्राई करिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये आलू। सारे सूखे मसाले हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तो फटाफट से हम फ्लेम को करेंगे बंद। सभी मसालों को मैंने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया है और जब तक मसाले हमारे अच्छी तरीके से ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आलू को फ्राई कर लेते हैं ऑयल। हम इसे बनाएंगे आयरन की कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और इतना ही डालेंगे। इतने हम रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरीके से पहले गर्म करेंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे, अपने सारे आलू को, और तेल में पकाकर तैयार करेंगे। सारे आलू क्रिस्पी करेंगे, आलू को हम अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे ताकि
आलू के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से मसाले हमारे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हम हल्दी का पाउडर, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक, और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए सारे आलू को क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। और सेम इसी तरीके से हमें बचे हुए आलू को भी क्रिस्पी होने तक पकाना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा मसाले डाल देंगे तो आलू के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब आप आलू खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको ये आलू। कुछ परसेंट हम आलू को पकने में बाकी रहने देंगे, क्योंकि कुछ परसेंट जो आलू बची रहेगी वो मटर के साथ पक जाएगी। तो अब हम अपने सारे आलू को निकाल लेते हैं एक प्लेट में बाहर। सेम ऑयल में हम डाल देंगे बचे हुए आलू, और बचे हुए आलू को भी हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे अच्छी तरीके से। बचे हुए ऑयल में हम ये पीनट्स भी डाल के थोड़ी देर पका लेंगे। आप चाहें तो इसे रोस्ट कर सकते हैं, जिस पैन में हमने मसालों को भून रखा है उसी में आप रोस्ट कर लीजिएगा, बट मैं इसे तेल के ही साथ पका ले रही हूँ। पीनट्स को भी मैंने पका के बाहर निकाल लिया है, और ये ऑयल हम निकाल देंगे बाहर। थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में ही हम रखेंगे, क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर ऑयल में है। आप चाहें तो सारे ऑयल कढ़ाई से हटा के थोड़े से अलग से ऑयल डाल लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें बना लीजिएगा इस मटर आलू को, बट हम तो इसी में बनाने वाले हैं। बस इतना ही ऑयल हम इसमें रखेंगे, और थोड़ा सा फ्लेम को कर देंगे धीमी। इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग, फ्लेम एकदम धीमी है, और साथ में डाल देंगे हम राई, ग्रेट की हुई अदरक, और अब हम इसमें डाल देंगे सारे अपने आलू को। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आलू को। आलू को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे साथ में ये धुली हुई सारी हरी मटर को, और हरी मटर को भी आलू के साथ धीमी फ्लेम पे हम मिक्स करेंगे। आप ध्यान रखिएगा जब आप इसमें अदरक वगैरह हींग ये सब डालें तो एकदम फ्लेम को धीमी कर दें, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, एकदम गर्म होता है, तो थोड़ा सा ऑयल को ठंडा कर लीजिएगा, वरना डालते ही सुलग जाएंगे। अच्छी तरीके से हम आलू मटर को मिक्स कर लेंगे, और मटर अभी एकदम कच्ची है तो मटर को हमें आलू के साथ पकाना है, इसलिए कुछ परसेंट आलू को बाकी रखना होता है हमें फ्राई करते समय। थोड़ी देर के लिए हम आलू मटर को ऐसे ही पकने देंगे साथ में, क्योंकि मटर अच्छी तरीके से पक जाए, और जब तक मटर हमारी पक रही है तब तक हम थोड़े से अपने भुने हुए मसालों को भी पीस के तैयार करेंगे। मैंने ये अदरक कूटने वाला ले लिया है, और ये तो सभी के किचन में आसानी से अवेलेबल होता है, मिल जाता है, और ड्राई मसाले को हम इसी में कूटेंगे, क्योंकि हमें दरदरा ये मसाला चाहिए। आपको मिक्सी जार में नहीं पीसना है, तो सारे मसाले को हम डाल के पीस लेंगे। इस तरीके से आप एक बार आलू को बना के देखिएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मसालों को मैंने कूट लिया है, और आलू को भी हम ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा चला लेंगे, और मटर बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू मटर दोनों चीज़ें पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और आमचूर पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले हम अभी डाल देते हैं। आप इसमें काला नमक ज़रूर डालिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम मसाले इसमें डालने के बाद मिक्स कर देंगे सारे मसालों को आलू और हरी मटर में। मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी को हम इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने ये पिसे हुए मसाले जिन्हें हमने कूट के रखा है, और अच्छी तरीके से इनको भी मिक्स करना है हमें। आप एक बार इस तरीके से आलू बना के देखिएगा, उंगलियां चाट चाट के सब खाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये वाली आलू। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये मूंगफली, और साथ में हम डाल देंगे इसमें जो हमने ले रखा है पास्ता मसाला। पास्ता मसाला का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एक पैकेट सारा हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसालों को हम। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अब बारीक कटी हुई हरी धनिया, और फटाफट से करेंगे फ्लेम को हम बंद।
कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है और देखिए हमारे एकदम सूखे सूखे से आलू मटर बनकर तैयार हैं। इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। आप एक बार खाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि सारा मैं ही खा लूँ। तो हम ले लेंगे एक प्लेट और प्लेट में सारा सर्व करेंगे, निकाल लेंगे एक प्लेट में हम। आलू मटर को मैंने सर्व कर लिया है एक प्लेट में। थोड़ा सा हम हरी धनिया इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से आलू मटर मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे टूथपिक के साथ सर्व करिए, खाने वाले देखिए खाते ही रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं आप मेरे या फिर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।